हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड इन व्हाट्सएप। अगर आप आधार कार्ड को व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। अब हम लोगों के बीच एक ऐसी सर्विस आ गई है जिसका इस्तेमाल करके आप आधार कार्ड या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स अपने व्हाट्सएप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सरकार हमारे पीछे कुछ ना कुछ अपडेट लाती रहती है। अब सरकार एक ऐसा अपडेट लाई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ और देन मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जाके आपको आधार कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। देखिए, ये वो अपडेट है जो अखबार में आ चुका है। अब व्हाट्सएप के जरिए उठा सकेंगे डिजी लॉकर का लाभ, यानी जो भी आपने अपने डिजी लॉकर के अंदर डॉक्यूमेंट्स सेव कर रखे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, अगर आपने डिजी लॉकर का यूज कर रखा है तो आप बहुत ही आराम से अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ दे रखा है, लोग अपने व्हाट्सएप के जरिए हेल्प डेस्क पर डिजी लॉकर सेवा का लाभ उठा सकते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे ऐप रखने की जरूरत नहीं है। सरकार की इस पहल का मकसद सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुँच को आसान बनाना है। इसके अलावा देखिए, आप डिजी लॉकर में अपने सभी तरह के डॉक्यूमेंट रखते हैं। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है। इस प्रणाली में सुरक्षित रखे गए दस्तावेज को मूल भौतिक दस्तावेज के समान माना जाता है। नई सुविधा के तहत लोग डिजी लॉकर में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE की 10th और 12th की मार्कशीट, बीमा पॉलिसी, गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ सरकारी और अन्य सभी दस्तावेज रख सकते हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, इन्होंने एक नंबर भी दिया है, 9013151515। इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा और वो क्या मैसेज करना होगा इसकी जानकारी के लिए सीधा मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये सुविधा केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपना डिजी लॉकर के अंदर अपना अकाउंट बना रखा है और उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर रखे हैं। अगर आपने इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स सेव नहीं किए तो आप इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं अपना डिजी लॉकर ओपन कर रहा हूँ और ये डिजी लॉकर है। आपको नंबर गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, 6 अंक का पिन, ईमेल आईडी और आधार नंबर लिखकर सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने आधार नंबर या यूजर नेम से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और देन उसमें आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिए जाते हैं जो भी आपको इसमें ऐड करने हैं। नॉर्मल आपको एक क्लिक करना है, एक क्लिक करते ही आपके सामने उसकी सारी डिटेल आ जाएगी और आप वहाँ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल डिजी लॉकर के अंदर मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैंने इसके अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट को सेव रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह व्हाट्सएप के माध्यम से इस डिजी लॉकर का यूज करके अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। देखिए, ये वो नंबर है जिसके माध्यम से आप बहुत ही आराम से डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ही किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। ये नंबर पहले भी हम लोगों के बीच लॉन्च किया गया था जिसमें हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे, तो वही सेम नंबर है, 9013151515। तो देखिए, ये नंबर मैंने पहले से अपने मोबाइल में सेव कर रखा है। अब यहाँ से मैं इसको व्हाट्सएप पे ओपन करता हूँ। इस नंबर को देखिए, मैंने व्हाट्सएप पे ओपन कर लिया है। इस नंबर का यूज़ मैं पहले भी कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीका बताया था। तो चलिए, अब हम इस पर हाई लिखकर भेजते हैं और देखते हैं कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या देखने को मिलता है। यहाँ मैंने हाई लिखा और सेंड कर दिया। हाई सेंड करने के बाद देखिए, हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन आते हैं, कोविन सर्विस और डिजी लॉकर सर्विस। तो हम यहाँ डिजी लॉकर पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ डिजी लॉकर सर्विस टू डाउनलोड इशू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, आप यस करिए। यस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, देन आपको एक OTP मिलेगा। तो चलिए, यहाँ मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ क्योंकि जो हमारा डिजी लॉकर होता है वो हमारे आधार नंबर के बेस पर ही बनता है। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया, अब मैं सेंड करता हूँ। अब मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP मुझे यहाँ डालना होगा। देखिए, OTP का मैसेज मेरे सामने आ चुका है और ये OTP यहाँ आ गया है। इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ और देन सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद देखिए, अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपके सामने ऑप्शन आ चुका है,
पैन रिकॉर्ड और नीचे ऑप्शन दे रखा है आधार कार्ड, यानी आपने जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट ऐड कर रखे हैं वो उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। लेकिन यहाँ से मैं आधार कार्ड डाउनलोड करने वाला हूँ, तो मैं सीधे आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए मेरे सामने आधार कार्ड आ चुका है, जिसका यूज़ मैं कहीं भी अपने जरूरत के अनुसार कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं रूम ले रहा हूँ या कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं बहुत ही आराम से इसका प्रिंट आउट दे सकता हूँ। और देखिए अदर डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन है, अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपके सामने दोबारा से वही ऑप्शन ओपन हो जाता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। यहाँ जब आप इशू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सारे के सारे ऑप्शन आते हैं कि आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपने डिजी लॉकर के अंदर ऐड कर रखा है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ आपको दिखाई देने वाली है। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं।